हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका दोस्त गवर्नमेंट गुरु, और आज मैं लेकर आया हूँ गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से नई भर्ती। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। तो आज के हम वीडियो में कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, तो कौन सी नेट का एप्लीकेशन करनी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, फिर एज कितनी होगी उसके लिए, फिर एग्ज़ाम फीस कितनी देनी है, सिलेक्शन कैसे होना है, आपका पगार कितना होना है, और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, और आपको कोई समस्या होगी तो उसके लिए हेल्प डेस्क के भी दिया गया है। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी है, तो 30 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आज की डेट से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से भर देना आप सब लोग। तो फॉर्म आपको ऑनलाइन ही भरना है, कोई ऑफलाइन नहीं भर सकता। और उसके लिए वेबसाइट दी गई है www.gsecl.in पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो उसके बाद देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इन्होंने टोटल 4 पोस्ट पे भर्ती किया है, तो आप देख सकते हैं नर्स की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग मांगा है, और उसके साथ आपको गुजरात नर्सिंग काउंसिलिंग जो बोर्ड होता है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और दूसरी पोस्ट है रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी टेक्नीशियन, तो उसके लिए उन्होंने BSc या MSc में आपको माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी किया होना चाहिए। तो उसके बाद तीसरी पोस्ट है लैब टेस्टर, तो उसके अंदर आपको BSc केमिस्ट्री का क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो उसके अंदर आपको डिप्लोमा इन INC के अंदर क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद देखते हैं एज लिमिट, तो नर्स की पोस्ट है उसके लिए 30 साल, रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी टेक्नीशियन, लैब टेस्टर और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 35 ईयर, और SC ST OBC और EWS की कैटेगरी के अंदर 5 साल की छूट छाट दी गई है। तो और जो विकलांग होते हैं उसके लिए PWD में 10 साल की छूट गई है। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी। तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ फ़ीस है, जबकि SC और ST कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ फ़ी रखी गई है। तब सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो भी सिलेबस है वो हमें नोटिफिकेशन लिंक के अंदर PDF अवेलेबल करवा देंगे। अब पगार कितना होगा इन सब पोस्ट के लिए, तो जो नर्स, रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी टेक्नीशियन और लैब टेस्टर की पोस्ट है उसके लिए पे स्केल है 25,000 से लेकर 55,800 रुपीज़ प्लस अदर अलाउंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, फूड एक्सेट्रा। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से भरना चाहिए आपको इस वैकेंसी के अंदर। और दूसरी पोस्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके अंदर भी अच्छी खासी पे स्केल है, 26,000 से लेके 56,600 रुपीज़। OMG। चलो दूसरे आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं वो है 2 फोटोज़ होगी, फिर लिविंग सर्टिफिकेट होगा, और जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे होगी तो उसके रिलेटेड जो आपका स्टडी होगा उसकी मार्कशीट्स, फिर कास्ट सर्टिफिकेट्स, फिर आईडी प्रूफ में आधार कार्ड भी चलेगा, फिर रेसिडेंशियल प्रूफ। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं आगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है 4 पोस्ट के लिए। तो नर्स की पोस्ट के लिए 11 वैकेंसीज है, रेडियोलॉजी कम पैथोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट है, फिर लैब टेस्टर है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 17 पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है उसके लिए 45 पोस्ट है। दोस्तों अब जब भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप 02262507720 पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको मेल करना है तो आप मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है recruit.gsecl@gebmail.com।